पिशावर हाई कोर्ट का लापता अफराद केस में एडवोकेट जनरल को 15 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए, जरूरत पड़ी तो वजीर आला को दोबारा तलब करेंगे, अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के थाने में पीटीआई इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ के लापता होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कॉपी इस्लामाबाद अदालत में पेश कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद, जाती हैसियत से पेश होने का हुक्म। आईजी जेल खाना जात शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल मुंतकिल करें, लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का तहरीरी हुक्म। नैब ने डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा के खिलाफ रेफरेंस बंद करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब ने रेफरेंस वापस लेने के लिए लाहौर की एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई की हिदायत पर बैरिस्टर अली जफर आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। पीटीआई से इंतखाबी निशान छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरी और मुकर्रा वक्त पर इंतखाबात ना करने का मौकिफ अपनाया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ आज बारिश का इम्कान, सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के शहर लसबेला में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुखियानी, गाँव सोले छब जेरे आब आ गया। कराची के इलाके बहादुराबाद में घरेलू तनाजे पर कमसिन बच्ची समेत दो अफराद कत्ल, दामाद ने तशद्दुद करके सुसर और अपनी बेटी की जान ले ली, मुलजिम मौके से फरार हो गया। खराब सेहत के बायस तनकीद का शिकार जो बाइडन, सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार, बतौर सदारती उम्मीदवार अमरीकियों की खिदमत बायस से फख्र करार, कोमेला हैरिस की सदारती उम्मीदवार के लिए हिमायत कर दी, अमरीकी नायब सदर ने बाइडन की तौसीक एजाज करार दे दी। और वुमेन एशिया कप में पाकिस्तान ने नेपाल को बासानी 9 विकेटों से शिकस्त दे दी।